आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कुछ। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, जिसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए समझते हैं। जैसे कि देख लीजिए, ये आप लोगों का हो गया ऊपर निर्वात और नीचे आप लोगों का हो गया पानी। अब देखिए, प्रकाश की किरण निर्वात से आ रही है और ये आप लोगों का दूसरा माध्यम हो गया पानी। आप लोग इसको ऐसे बना लीजिए, जब प्रकाश की किरण निर्वात से आ रही है इधर से ऐसे, जब पानी में के अंदर जब जाती है, जब पानी के अंदर जाती है तो निर्वात क्या हो गया, एक विरल माध्यम। निर्वात यानी विरल मतलब कि जिसमें कि जैसे कि जो अंतराणविक जो आकर्षण बल होता है इसमें कम होता है अणुओं के बीच, और पानी जो है इसके अंतराणविक जो आकर्षण बल होता है अणुओं के बीच अधिक होता है निर्वात से। तो ये आप लोग का एक सघन माध्यम हो गया। इसके मुकाबले में पानी आप लोग का एक सघन माध्यम हो गया। और पानी पानी के मुकाबले में जैसे कि आप लोग का कुछ और भी होगा, जैसे कांच हो गया, तो जो पानी के मुकाबले आप लोग का कांच आप लोग का सघन माध्यम हो जाएगा और पानी आप लोग का विरल माध्यम हो जाएगा। ये आप लोग का बदलता रहता है। देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, जिसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको तो वास्तव में जाना चाहिए था ऐसे, वास्तव में इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन देखिए यहाँ पर जब दोनों बिंदुओं को जो विभाजित करती है तो यहाँ पर एक अभिलंब होता है, ये आप लोगों का अभिलंब हो गया। जब प्रकाश के निर्वात से जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं, तो सघन माध्यम में प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी विचलन को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें देखिए, ये आप लोग का हो गया अभिलंब, जैसा कि हम लोग प्रकाश के परिवर्तन में पढ़े थे, ये अभिलंब हो गया और ये आप लोग का हो जाता है कोण आई और ये आप लोग का कोण आर जाता है। और ये प्रकाश की किरण है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। और देखिए, जब ये सघन माध्यम हो गया, ये आप लोग का हो गया सघन माध्यम। अब यहां से जब प्रकाश की किरण जाएगी बाहर, ये आप लोग का अभिलंब से, मान लीजिए आप लोग का अभिलंब हो गया, यहाँ अभिलंब से ये दूर हटती हुई चली जाएगी, तो कहा जाता है आपतित किरण। जैसे कि प्रकाश का अपवर्तन हम लोगों ने पढ़ा है और ये आप लोग हो जाता है अपवर्तित किरण। इसको इस तरह लिख देते हैं। देखिए, यहां से प्रकाश की किरण, ये आप लोग का सघन माध्यम हो गया और ये आप लोग का विरल माध्यम हो गया। यहां से प्रकाश की किरण अभिलंब को काट कर जब दूर जा रही है तो यहाँ पर जो कोण आई बनेगा और यहाँ पर कोण बनेगा आर। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का नियम का परिभाषा लिख लो, का मैंने परिभाषा लिख दिया है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जैसे कि सघन माध्यम मतलब कि जो भी घना चीज होता है, तो घना मतलब कि जो इसका घनत्व मतलब कि ज्यादा होता है, उसमें चलने में दिक्कत होता है। आप लोग अपने पर भी लेकर चलिए, जैसे कि मान लीजिए एक दलदल है तो उसमें आप लोग को चलने में दिक्कत होगा, और एक पानी है जिसमें आप लोग आसानी से कहीं भी चले जाएंगे और दलदल आप लोग ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। मान लीजिए आप लोग का एक अभिलंब हो गया, आप लोग दलदल में घुसेंगे तो आप लोग बहुत ही मतलब ज्यादा जल्दी नहीं भाग पाएंगे। अब मान लीजिए आप लोग यहां से घुसे तो ज्यादा जल्दी आप लोग नहीं भाग पाएंगे, लेकिन पानी में आप लोग जल्दी भाग जाएंगे, वो आप लोग के लिए विरल माध्यम हो गया। वैसे ही जैसे निर्वात हो गया ये आप लोगों का, अब निर्वात से जब प्रकाश घुसता है सघन माध्यम में तो वो दूर नहीं जा पाता है, क्योंकि पानी जो सघन माध्यम है इसको आगे बढ़ने ही नहीं देता है ज्यादा पथ पर, इसलिए इसको अपने तरफ घींचे रहता है। और यही जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसको विरल माध्यम में तो पूरा इसको मतलब कि कोई भी दिक्कत नहीं होता है गमन करने में, इसलिए वो अभिलंब से दूर हट जाती है। इससे ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप लोग प्रकाश के अपवर्तन से ही आप लोग देखें कि जब बल्टी में
पानी में सिक्का रखा रहता है वो आप लोग का उठा हुआ दिखाई देता है। आप लोग शीशे का गिलास देखे जब पानी पीने वाला उसका तली उठा हुआ दिखाई देता है। आप लोग जब नदी या नाले में बैठेंगे पैर डालेंगे तो आप लोग का पैर ऊपर की ओर दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है, जो कि सारा चीज आप लोग का प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। आइए हम इसके दो नियमों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए अपवर्तन के प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। जैसा कि प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग दो नियम पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार भी प्रकाश के अपवर्तन में दो नियम होते हैं जो कि कुछ कुछ उसी के तरह होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ा था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आप लोग का आपतन बिंदु हो गया और ये आप लोग का आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को ये सरल विरल माध्यम और सघन माध्यम को अलग करने वाले आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है। और दूसरा नियम हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में पढ़े थे कि जो कोण आई होता है कोण आर के बराबर होता है, ठीक उसी तरह बीच में होता है आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का अनुपात स्थिर होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। परीक्षा में आप लोगों से पूछ दिया जाता है कभी कभी कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आप लोग को ये वहां पर लिखना होता है। तो आप लोग प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम के बारे में समझ गए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक आप लोग का ये बताता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है। तो सबसे ज्यादा आप लोग का जो प्रकाश का चाल होता है वो निर्वात में होता है। पहले ये बात आप लोग लिख लीजिए, निर्वात में आप लोग का प्रकाश का चाल होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे ज्यादा आप लोग का प्रकाश का चाल निर्वात में होता है। जैसे जैसे प्रकाश का चाल कम होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही बढ़ता जाएगा। आइए हम लोग इसे परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं। यह अपवर्तनांक आप लोगों का परिभाषा हो गया, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की गति या निर्वात में प्रकाश की गति और दिए गए माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात के बराबर होता है। तो आप लोग का अपवर्तनांक कितने लिख रहे हैं, म्यू से, म्यू अपवर्तनांक आप लोग का वायु में या निर्वात में प्रकाश की गति। तो वायु निर्वात प्रकाश की गति को हम लोग सी से लिखते हैं और दिए गए माध्यम में प्रकाश की गति को भी से लिखते हैं। तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिए निर्वात में प्रकाश की गति या वायु में, और ये जो आप लोग का दिए गए माध्यम जो भी माध्यम आप लोग का दिया रहेगा, कांच दिया रहेगा, एल्कोहल दिया रहेगा या आप लोग का हीरा दिया रहेगा या तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल, जो भी दिया रहेगा उसमें हम लोग प्रकाश की गति जो होगा उसको हम लोग नीचे। आइए और इसमें कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए जब आप लोग का माध्यम में घनत्व बढ़ेगा, घनत्व या फिर कुछ पॉइंट हो गए, कुछ बिंदु हो गए अपवर्तनांक के बारे में, जब आप लोग का घनत्व बढ़ेगा, घनत्व ऊपर की तरफ जाएगा, तब आप लोग का उसमें जो गति होगा घटेगा, और तीसरा वही आप लोग का जो अपवर्तनांक होगा ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो देख लीजिए जब आप लोग का मान लीजिए इस जैसे कि देखिए आप लोग का अपवर्तनांक हो गया और निर्वात में प्रकाश का चाल हो गया 3×10⁸। अब ये देखिए जब आप लोग का किसी माध्यम में जितना ही कम होगा प्रकाश का चाल आप लोग का अपवर्तनांक उतना ही बढ़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर 3 है किसी माध्यम प्रकाश का चाल, तो आप लोग का अपवर्तनांक कितना होगा 10⁸ होगा। अगर इसको हम बढ़ा देंगे, अगर इसको हम लोग 6 कर देंगे तो आप लोग का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा और × 10⁸ हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग जितना बढ़ाएंगे अपवर्तनांक आप लोग का उतना ही घटता जाएगा। वैसे ही यहाँ पर है, जितना वेग अगर घटेगा, अगर ये घटेगा नीचे, मान पहले हम लोगों ने 3 लिखा था तो आप लोगों का 10⁻ कितना आ रहा था 10⁸ आ रहा था। अब इसको अगर हम लोग 1 लिख लेते हैं, घटा लेते हैं, तो आप लोग कितना आ जाएगा 3×10⁸। तो आप लोग का अपवर्तनांक बढ़ गया। आप लोग यही से देख रहे हैं कि वेग घट रहा है तो आप लोग का अपवर्तनांक बढ़ रहा है। देखिए आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि जब
घनत्व बढ़ेगा तो अपवर्तनांक आप लोगों का क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा स्थिर रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जब घनत्व बढ़ेगा तो आप लोग का अपवर्तनांक भी बढ़ेगा और जब वेग घटेगा तो आप लोग का अपवर्तनांक बढ़ेगा। और जब अपवर्तनांक आप लोगों का बढ़ेगा तो आप लोग का पूछेगा घनत्व कैसा होगा, घनत्व भी बढ़ेगा। ये सब आप लोग के एग्जाम में एक नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। तो आज के लिए हम लोग क्लास को इतना पर रखते हैं और आज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।